बंगाल के ब्रह्मांड वेद में ठाकुर की दीक्षा और शक्ति संचार की कथा। कांगाल का ब्रह्मांड वेद प्रथम भाग पृष्ठ संख्या 392 23 जनवरी सन 1885 ईस्वी को प्रातःकाल पंडित विजय कृष्ण महोदय ने जिस समय कोलकाता के साधारण ब्रह्म समाज की वेदी का कार्य संपादन किया उस समय ऐसा एक दृश्य प्रकाशित हुआ था। तब अनेक लोग मां मां करते हुए उच्च स्वर में रो पड़े थे। इस दृश्य में नानक देव भक्तों के साथ गले मिलकर एक मेवा द्वितीयम का कीर्तन करते हुए भावावेश में नाचे थे। महाराज राजा राम मोहन राय भी वहां उपस्थित थे। उसके अगले वर्ष 23 जनवरी 1886 ईस्वी को प्रातः विजय कृष्ण महोदय ढाका के साधारण ब्रह्म समाज की वेदी में उपासना कर रहे थे। तब उसी प्रकार का एक आध्यात्मिक दृश्य प्रकाशित हुआ। सन 1886 ईस्वी के अप्रैल महीने में रंगपुर काकिनिया के जमींदार कुमार महिमा रंजन रॉय ने जिस समय वहां ब्रह्म मंदिर की प्रतिष्ठा की एवं जिस दिन विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने प्रातः वेदी का कार्य संपादन किया उस दिन भी उस प्रकार का एक दृश्य पुनः प्रकाशित हुआ था, लेकिन वह पहले के समान स्पष्ट नहीं दिखा। कांगाल का ब्रह्मांड वेद द्वितीय भाग पृष्ठ संख्या 243 असांप्रदायिक धार्मिक प्रवर श्रीमद श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने कहा कि वे किसी समय पर्वतवासी कुछ योगियों के साथ भेंट करने गए थे। उनके पथ प्रदर्शक एक मद्रासी व्यक्ति साथ में थे। पर्वत के निकट पहुंचते ही ललाट आदि स्थानों में सिंदूर लगाए हुई एक भीषण मूर्ति भैरव ने उन लोगों को आगे आने से रोकने के लिए पत्थर फेंकना आरंभ किया। भैरव के इस व्यवहार से मद्रासी तो जातीय तेज से गर्म हो उठे। गोस्वामी जी ने उनको रोक कर कहा, गर्म होने से काम नहीं होगा, मैं इसका उपाय करता हूं। उसके बाद भैरव के थोड़ा अन्य मनस्क होने से गोस्वामी जी शीघ्रता से जाकर उनके दोनों पैर पकड़ लिए। भैरव ने हंसते हुए कहा, तुम लोग समझ रहे हो मैं बड़ा पाखंडी और निर्दयी हूं, वास्तव में वैसा नहीं है। इस पर्वत में जो कुछ एक योगी रहते हैं वे लोग सिद्ध पुरुष हैं, मैं उन लोगों की सेवा के लिए नियुक्त हूं। विषयी लोग विषय का शुभ अशुभ जानने के लिए उन्हें सदैव विरक्त करते हैं, इससे साधना में विघ्न पड़ता है। इस कारण वे लोग अब सुरंग के पथ से पर्वत के भीतरी भाग में चले गए हैं, धर्म जिज्ञासुओं के लिए वहां जाना निषिद्ध नहीं है। कौन धर्म जिज्ञासु है और कौन विषयी, मैं पत्थर फेंक फेंक कर उनकी परीक्षा लिया करता हूं। विषयी होने से भयभीत होकर चले जाएंगे और यथार्थ धर्म जिज्ञासु होने से तुम लोगों के समान उद्देश्य को नहीं छोड़ेंगे। यदि इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, योगी जनों को देख सकोगे, लेकिन वहां पानी नहीं है, यहीं पर कुछ खाकर झरने से पानी पी लो। यह कहकर उस भैरव ने नर कपाल में नर मांस लाकर उन लोगों को खाने के लिए दिया। मैं किसी प्रकार का मांस नहीं खाता कहकर गोस्वामी जी ने उसे छोड़ दिया। इससे भैरव ने विरक्त होकर उन लोगों के प्रति घृणा का भाव दिखलाया, किंतु मार्गदर्शक बनकर उन्हें योगियों के पास ले गया। गोस्वामी जी सुरंग के मार्ग से लेटकर कोहनी के बल चलते हुए बड़े कष्ट से योगियों के पास पहुंचे और उन लोगों को प्रणाम करके उन्होंने देखा, वह स्थान बिना छत का एक दरवाजे वाले कोठे की भांति है, अर्थात चारों ओर दीवाल के समान चट्टाने हैं। बीच का स्थान अति सुंदर स्वच्छ एवं वृक्ष लता से सुशोभित है। उन योगियों में से एक ने गोस्वामी जी से पूछे बिना ही भैरव को डांटते हुए कहा, तुमने अघोर पंथी का पथ अवलंबन किया है, अतएव नर मांस तुम्हारा खाद्य है, लेकिन अन्य पथावलंबियों का जो खाद्य नहीं है उनको तुमने वह क्यों दिया? इससे तुम्हारी विचित्र निर्लज्जता दिखाई पड़ती है। तुम क्या सोचते हो, अघोर पंथी न होने से कोई सिद्ध नहीं हो सकता? यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। पथ कुछ नहीं है, केवल उपाय है। सिद्धि प्राप्त करना अलग बात है। हम जो चार लोग यहां पर हैं सभी ने क्या एक ही पथ का अवलंबन करके साधना की थी? कोई वैष्णव कोई अन्य प्रणाली का अवलंबन करके साधना करने में प्रवृत्त हुए थे।
अब सभी का पथ और उद्देश्य एक है, अतः इस समय अन्य कोई प्रणाली नहीं है। गोस्वामी जी ने योगियों से जो कुछ पूछने का विचार किया था, भैरव को दी गई चेतावनी के रूप में ही योगीवर ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। योगी लोग जो बाहरी दोनों नेत्रों की भांति ललाट के भीतर तृतीय नेत्र से सभी जान सकते हैं, देख पाते हैं, यह घटना उस बात की पुष्टि करती है। उसके बाद योगियों ने गोस्वामी जी के साथ जिस प्रकार की बातचीत की, उसमें उन्होंने पृथ्वी के भिन्न भिन्न देशों की भिन्न भिन्न घटनाएं कही। गोस्वामी जी को संवाद पत्र पढ़कर जो ज्ञात हुआ था एवं लोक परंपरा से उन्होंने जो सुना था, उसके साथ उन समस्त बातों का मेल देखकर गोस्वामी जी चकित हो गए। घने वनाच्छादित पहाड़ी क्षेत्र में संवाद पत्र तो दूर रहा, सांसारिक लोगों का भी आवागमन नहीं है। विशेषकर पृथ्वी के सब देशों का इतिहास और वर्तमान घटनाओं का संवाद श्रोतागण जिससे अवगत नहीं है, योगीगण उसे जानते हैं। यह जो दिव्य दृष्टि का फल है, उसे कौन अस्वीकार कर सकता है? ठाकुर से पूछा, भैरव जब पत्थर फेंकने लगे, आप लोगों ने क्या किया? वह क्या आप लोगों के शरीर में लगा था? ठाकुर ने उत्तर दिया, भैरव भयंकर चिल्लाकर गाली देते देते पत्थर फेंकने लगे। तब साथ के ब्रह्म समाजी मित्र तो दौड़कर भाग गए, पत्थर मेरे शरीर पर पड़ने लगे। पैर में एक ही स्थान पर दो पत्थर पड़ने से चोट लगकर झरझर रक्त बहने लगा। मैं पैर को झटकार कर उसी स्थान से हाथ जोड़कर भैरव की ओर एकटक देखता रहा। भैरव तब चकित होकर मेरी ओर देखते रहे। उसी अवसर में दौड़कर मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा। तब वे आदरपूर्वक मुझे पकड़कर पहाड़ के एक निर्जन स्थान पर ले गए। वहां पर भैरव ने मुझे एक जले हुए हाथ की हथेली लाकर खाने के लिए देते हुए कहा, वहां प्रसाद पाइए। हाथ की हथेली उन लोगों के लिए बड़े सम्मान का आहार है। मैं मांस नहीं खाता कहकर उसका परित्याग कर दिया तो वे बड़ी दुखी हुए। फिर मुझे महापुरुषों के पास ले गए। देखा, एक कमरे के चार कोने में चार महात्मा समाधि लगाकर बैठे हैं। उनमें से एक जन पहले आचारी थे, एक जन अघोरी, एक जन कपाली और एक जन नानकपंथी थे। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध पथावलंबी थे। गया के गंभीर नाथ जी भी उनमें से एक थे। वे सभी एक ही स्थान पर शांतिपूर्वक परमानंद सिंह हैं। उन लोगों के साथ अनेक विषयों में बातचीत हुई। मैंने श्री गंभीर नाथ जी पे भी वीडियो बनाया है और सुंदरनाथ जी पे भी वीडियो बनाया है और वो बहुत बहुत ही भक्तिमय है। आप सुनोगे, आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो उसे अवश्य सुनिएगा। सुंदरनाथ जी के बारे में आप जानेंगे कि बद्रीनाथ में आज भी हैं वो, क्योंकि उनके बारे में किसी को नहीं पता है कि उन्होंने समाधि लिया या फिर वो भी कहाँ है, वो अदृश्य हो गए थे। तो अभी भी बद्रीनाथ कभी आप जाओगे तो देखोगे वहाँ पर बहुत सारी गुफाएँ हैं और उन्हीं में से कोई एक ऐसी गुफा है जो सिद्धाश्रम तक जाता है। तो इसके बारे में मैंने एक और जो चैनल है कंज पद्म, उस पर बता रखा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं शॉर्ट में, इस चैनल पे तो बहुत लंबे लंबे वीडियो आते हैं और वहाँ पे मैं शॉर्ट में बहुत संक्षिप्त रूप में संतों के बारे में बता रहा हूँ, तो आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंज पद्म अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। मैं ठाकुर के कहने पर ब्रह्मांड वेद तृतीय भाग के 178 पृष्ठ में ठाकुर की दीक्षा के विषय में कांगाल का लेख पढ़ने लगा। कांगाल का ब्रह्मांड वेद तृतीय भाग पृष्ठ संख्या 178। बहुतों को स्मरण होगा, एक बार खूब चर्चा उठी थी कि असांप्रदायिक धार्मिक प्रवर श्रीमान पंडित विजय कृष्ण गोस्वामी संसार धर्म का त्याग करके सन्यासी हो गए हैं। यह कोलाहल बिल्कुल निराधार नहीं है। गोस्वामी जी ने दार्जिलिंग की वनाच्छादित प्रांत में षठ चक्र भेदी किसी योगी का साधन देखकर एवं उनके पास बैठकर उनके नर्मदा के किनारे अवस्थित गुरुदेव के दर्शन करने हेतु अपने आत्मीय जनों से विदा मांग ली थी। घटनावश वे वहां न जाकर गया धाम में स्थित ब्रह्म योनि पर्वत पर पहुंचे एवं
वहां के वैष्णव महंत से उन्होंने साधन की शिक्षा लेनी चाहिए। इस समय उन्होंने विलास वेश त्याग कर सन्यासी वेश में वहां के आश्रम के महंत परमहंस से लगभग 9 महीने तक अनुष्ठान के साथ ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म की पद्धति सीखी थी। इतना करके भी अपने साधन के धन को हृदय मंदिर में न देख पाने से इस प्रकार व्याकुल हो गए थे कि वे एक निर्जन वन में अचेत अवस्था में कुछ दिन पड़े रहे। उसके बाद लगातार स्पर्श के अनुभव से जागने पर उन्होंने देखा एक परमहंस की गोद में लेटे हैं। प्रकृतिस्थ होने पर गोद से उतरकर उस अपरिचित परमहंस को प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़े एवं प्रार्थना की, आप मुझे अपने आश्रम में ले चलिए, मैं जिससे साधन के धन को हृदय में देख सकूं वैसा उपदेश दीजिए, मैं अब गृहस्थाश्रम में लौटूंगा नहीं। परमहंस प्रवर ने कहा, वत्स शांत होकर हमारी बात सुनो, तुम्हारी स्त्री पुत्र कन्या एवं अनाथ सास तुम्हारे आश्रित है, उन लोगों का त्याग करने से तुम दोषी होगे और कुछ भी साधन नहीं कर पाओगे। गोस्वामी जी के स्त्री पुत्र आदि हैं, संपूर्ण अपरिचित बहुत दूर स्थित निर्जन पर्वतवासी उसे किस प्रकार जान गए। गोस्वामी जी इस कारण आश्चर्यमय दृष्टि से उनके मुख की ओर देखते रह गए, फिर पुनः एक अन्य बात सुनकर और भी चकित हो गए। जब परमहंस ने हास्यपूर्वक कहा, वत्स तुम कुछ लोगों ने मिलकर एक घर को उजाड़ दिया है, घर को पुनः आच्छादित कर सके ऐसा एक भी व्यक्ति तुम लोगों के बीच नहीं देख पा रहा हूं, जैसा उजाड़े हो वैसे ही छाने का उपाय करो, अन्यथा ईश्वर के समक्ष अपराधी होगे। गोस्वामी जी ने परमहंस जी के रहस्यमय उपदेश का तात्पर्य समझकर उनके चरण पकड़कर कातर स्वर में कहा, भगवान मुझ में थोड़ा भी वह सामर्थ्य नहीं है, योग्यता प्राप्त करने के लिए ही इतने दिन आश्रम में वास किया और अब आपका अनुगामी होना चाहता हूं। परमहंस देव ने कहा, मैं मान सरोवर वासी योगी हूं, तुम्हारे वैराग्य के बारे में जानकर तिब्बत छोड़कर इस गया धाम में आया हूं, अब डर नहीं है, मैं जो उपदेश दे रहा हूं उसके कार्य में परिणत होने से घर जैसा था नए आच्छादन से फिर वैसा ही हो जाएगा। उन्होंने यह बात कहकर ज्ञान, योग और भक्ति साधना के लिए उपयोगी सहज प्राणायाम सिखला दिया एवं कहा, मैं आज से तुम्हारी साधना में सहायक हो गया हूं, जो किसी भी देश में किसी भी साधन पद्धति का अवलंबन करके साधना करते हैं मैं उन लोगों की सहायता किया करता हूं। इस प्रकार के विविध वार्तालाप के बाद गोस्वामी जी समझ गए वे सामान्य परमहंस नहीं है, उनका जो शरीर दिख रहा है वह भी जड़मय देह नहीं है, परमहंस प्रवर ने सूक्ष्म शरीर में आकर उन पर कृपा की है, अतएव उनके शिक्षा साधन को आदर पूर्वक धारण कर अपने विरही पुत्रादि के साथ कोलकाता पहुंचकर कार्य क्षेत्र में लग गए। आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि किसी सिद्ध संत का पता दे दीजिए, उनसे फोन पे, जो लोग ये कहते हैं कि उनसे फोन पे बात करवा दीजिए, तो मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं कि जो सिद्ध होंगे, उच्च कोटि के होंगे, वो फोन भी रखेंगे क्या? वो सांसारिक लोगों से थोड़ा दूर ही रहते हैं, क्योंकि हमारी जो वासनाएं हैं ना उसे पूरा करने के लिए जाते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें ये कष्ट है, हमें वो कष्ट है, हमें वो दिला दो, मेरे साथ ये परेशानी है। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, यहाँ पे परमहंस जी ने क्या कहा है, वो किन लोगों की मदद करते हैं, आपके लिए बहुत छोटा सा उपाय है, नाम साधना कीजिए, घर पे ही कीजिए, जितनी जिज्ञासा है ना आप लोगों के अंदर सिद्ध संतों को देखने की, मिलने की, आपको दर्शन होंगे, बहुत उच्च उच्च कोटि के सिद्ध संतों से दर्शन होंगे। यहाँ पे जैसे श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी को दर्शन हुए हैं ना, 12 से 15 फीट के थे उनके गुरु जी, ये जो परमहंस जी थे जो मान सरोवर के योगी थे, और आपको कहीं नहीं जाना, कहीं वन में नहीं जाना, कहीं हिमालय में नहीं जाना, घर में ही सुबह में शाम में जब भी आपको समय मिले कमरे में बैठ के बस राम नाम का जाप करना है, जितना जाप कर सकते हैं
राम नाम के जाप में तो ज़्यादा कठिन नियम भी नहीं है। खूब जाप कीजिए, खूब जाप कीजिए, उसके बाद देखिए आप अपने अंदर आप बदलाव देखेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी स्थिति आप योग्य होते जाएंगे, आपको स्वयं सिद्ध संत आपके सामने आके दर्शन देंगे। तो खूब राम नाम का जाप कीजिए, राम नाम का लेखन कीजिए, जितना लिख सकते हैं व्हाइट पेपर पर रेड पेन से, इससे बड़ा साधना तो हो ही नहीं सकता है। आप पीछे जितना ऑडियो सुने होंगे, आप लोगों ने भी उसमें सुना होगा कि नाम में कितनी शक्ति है, नाम महाराज में कितनी शक्ति है। तो नाम साधना कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, खूब प्रेम से नाम लीजिए, रोना आता है तो रोइए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं दुर्गम जंगलों में इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही राम जी का खूब नाम लिखिए, खूब नाम जप कीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। कुछ समय आप करके देखिए, 6 महीना 8 महीना आप करके देखिए लगातार, एक दिन भी नहीं छोड़ना है, अब देखिए क्या बदलाव आता है आपके जीवन में। और एक और मैं बात बोलूँगा, अगर आपको कुछ आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, बहुत दिव्य अनुभव होते हैं, तो किसी से शेयर नहीं करना है, उसको अपने तक ही सीमित रखना है, वो आपका आध्यात्मिक धन है जिसको आपको बचा के अपने हृदय में छुपा के रखना है। आइए हम आगे सुनते हैं। हम लोगों ने देखा है श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी जिस पद्धति से प्राणायाम की शिक्षा देकर साधन प्रदान कर रहे हैं, उसमें ज्ञान साधना के साथ योग और भक्ति साधना संयुक्त है। अतएव उक्त साधन प्रणाली श्री चैतन्य देव द्वारा चलाई हुई साधन प्रणाली के संपूर्ण अनुरूप है एवं बहुत ही सहज है और विषयी लोगों के समय के अनुसार आवश्यक है। जो लोग ब्रह्मांड वेद में प्रदर्शित साधन प्रणाली को कठिन समझते हैं, वे लोग गोस्वामी जी की प्रणाली का अवलंबन करके साधना करने से सहज में कृतार्थ हो सकते हैं। हमने उक्त प्रणाली का अवलंबन करने वाले 3-4 लोगों को कृतार्थ होते देखा है एवं गोस्वामी जी को उपदेश देने वाले परमहंस प्रवर जो साधनार्थी के सहायक हुआ करते हैं, उन्हें निसंदेह रूप से केवल समझा ही नहीं है वरन कभी कभी प्रत्यक्ष भी किया है। तो आज इस ऑडियो में इतना ही, आगे हम लोग सुनेंगे बहुत सारे स्थानों से ठाकुर को मंत्र प्राप्त, नाना प्रकार की साधना, परमहंस जी से दीक्षा और तैलंग स्वामी की कथा, कैसे उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी को। तो अभी आने वाला जो एपिसोड है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही भक्तिवर्धक है, बहुत ही रहस्यमयी है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, और इससे पहले कि अगर आप लोगों ने ऑडियो नहीं सुना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लेलिस्ट दिया गया है, आप उसमें सुन सकते हैं। हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो उसे भी प्राप्त कर हमें सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।